ऑफिस की लड़कियां इस तरह अपने बॉस के साथ सड़कों पर नहीं फिरती यहाँ पे। और दोस्त, वो दोस्त कैसी होगी? वो लोग हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो दोस्ती से ज्यादा कुछ और था आपकी। अरमान पर एतबार करना, लेकिन अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रहे। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूं ताकि तुम किसी मुसीबत का सामना ना करो। ये सारे कार्ड्स देखें, दादी की बर्थडे के लिए कौन सा डिजाइन आपको पसंद आ रहा है? सारे अच्छे। या अरमान, इरम बिल्कुल ठीक कहती है। वी आर डेफिनेटली द इट कपल। हम सबसे अच्छे लग रहे हैं इन सब में से। अच्छा, तुम दोनों अपनी पर्सनल बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कार्ड अच्छा है। हेल्प तो करो ना थोड़ी सी। अम्मा प्लीज, ये चीजें आप मुझसे तो ना पूछें। यू नो कि मेरी एस्थेटिक सेंस कितनी बुरी है। आप खुद ही डिसाइड करो। इन्हें तो बस अब एक कार्ड ही पसंद आएगा इनकी शादी का। अच्छा सोफिया, तुम तो बता दो ना। आंटी, जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद है। आपकी चॉइस, इट्स अमेजिंग। अरे वाह, जो सास की पसंद वही बहू की, तो कमाल। मैडम, अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो इत्मीनान से कोई काम नहीं हो सकता इस घर में। अम्मा जी की तबीयत खराब होना जरूरी है। मैंने कितनी दफा तुम्हें बताया है जब उनकी तबीयत खराब हो मेरे पास क्यों आती हूँ? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब तुम टाइम से उनको दवाइयाँ दोगी तो वो ठीक होंगी ना? मैडम, मैंने उन्हें सारी दवा दे दी, उसके बाद भी उनको सांस नहीं आ रही है सही से। उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। अच्छा, अब मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ। सो आंटी, ये कार्ड फाइनल कर दूं ना जो आप? हाँ, ये वाला बस, सेकंड वाला। ओके डन। ये अम्मा, आप प्लीज जाकर दादी को खुद देखें, ऐसा ना हो कि अपनी बर्थडे पार्टी से पहले ही गुजर जाए। You know, we have called so many people. Even the chairman is coming, so we have to be careful. जाए। अरमान ठीक कह रहे हैं आंटी। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। तो पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे। मैं जाके देखती हूँ। अच्छा लुक। तुम क्या देख रहे हो? क्या करती हैं आप? एहतियात क्यों नहीं करती? हर वक्त अपनी तबीयत खराब करती रहती है। अरे बहू, जानबूझ के कौन तबीयत खराब करता है? अब तो हमारी ऐसी हो गई है, जो बीमारी लगती है वो पीछा ही नहीं छोड़ती। अच्छा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, वो देख ले। मैडम, रात से ही इनकी तबीयत ऐसी हो रही है। तुमने नेबुलाइज करवाया ने? जी, मैंने रात को भी करवाया था और सुबह में भी। पता नहीं कैसी ढेर बीमारी है आपकी, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा खैर, आप आराम करें। देखें, आपको कहा है मैंने इस तरह मत खांसा करें। सारे घर में जरासीम फैल गए, आप हमें भी बीमार कर देंगे। मैडम, इनको लास्ट टाइम भी इस खांसी हुई थी तो उजाला बीवी ने कुछ पका के दिया था, वो इन्होंने पिया तो इनकी खांसी रुक गई थी। तो मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाके बुलाओ उन्हें, बल्कि पहले ही बुला लेना चाहिए था तुम्हें। अकल से पैदल हो गई हो? जाओ बुलाओ उन्हें। बहू खड़ी क्यों, बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप बस सालगिरह तक ठीक हो जाए। मेहमानों के सामने इस तरह खांसेंगे तो लोग क्या समझेंगे, हम आपका ख्याल नहीं रखते? दादी, क्या हुआ आपको? खांस खांस तक इन्होंने अपनी और
हमारी हालत खराब करती है। देखो नगीना बता रही थी जब पिछली दफा इनको दौरा पड़ा था तो तुमने इनको खांसी के लिए कोई दवाई दी थी और ये ठीक हो गई थी। हाँ हाँ वो कहवा है, मेरी अम्मी बनाती हैं लौंग और अदरक। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो नगीना के पास भी डॉक्टर का नंबर है, वरना मुझे बता देना, ठीक है? दादी आप मुझे पहले ही बुला लेती ना, आपकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई। मैं आपके लिए कहवा बना के लाती हूँ, नगीना देखना इनको। उजाला बीबी को जरा भेज। Oh my God, आंटी, मैं तो बहुत थक गई। मैं भी बहुत अरसे बाद शॉपिंग करने गई हूँ, वरना तो सब कुछ ऑनलाइन ही कर लेती। अब मॉल्स कौन जाए? मामा आपने बुलाया? अम्मा जी की तबीयत अब कैसी है? जी काफी बेहतर है वो। घर में कोई तकलीफ है क्या जिसके लिए आप लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं? अम्मा जी की सालगिरह है। अरे वाह, आप लोग दादी की सालगिरह भी मनाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। कोई बड़ी दावत है क्या? हाँ, इतनी बड़ी पार्टी होगी जैसी तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। हमारे सारे जानने वाले आएंगे। चिबतूल से कहो जरा पानी भिजवा दें। जी। उजाला अपनी फैमिली को मत इनवाइट कर लेना। हाँ इट्स नॉट देयर काइंड ऑफ पार्टी। कुछ खरीदा नहीं, इतने सारे लोग होंगे, मीडिया होगी। She needs to wear something nice, something glamorous, वरना लोग फसूल की बातें करेंगे। Don't worry, मैं अपना कोई ड्रेस भिजवा दूंगी इसके लिए। तुम्हारा? मैं फॉर्मल कपड़े, you know, I don't repeat them. सोशल मीडिया पे सब फ्लोट हो जाते हैं, मैं घर से भिजवा दूंगी कुछ इसके लिए। थैंक यू। उजाला ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अम्मा जी की बर्थडे के लिए, पहनना ज़रूर। जज़ाकअल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं तो अपने घर से काफ़ी कपड़े लाई थी, मैं वो पहन लेती, आपने हाँ हाँ में तकल्लुफ कर लिया। तुम्हारे घर के कपड़े ऐसे फंक्शन के काबिल नहीं। काबिलियत कपड़ों में नहीं होती, काबिलियत तो इंसान के अंदर होती है। ये हमने बहुत गलत मायार बना दिया है इंसान को इज्जत देने का। कभी कभी बहुत नफीस और कीमती कपड़ों में बहुत हकीर सोच का मालिक हो सकता है, और कभी कभी पेवन लगे कपड़ों में भी कोई बादशाह हो सकता है, या फिर हमारे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसीलिए किसी के रुतबे की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके अखलाक से होती है, उसके किरदार से, उसकी सीरत से। ये तो हम ही बेवकूफ हैं जो इंसान को उसके कपड़ों से परखने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई थी, तुम्हें कपड़े देने आई थी, पहन लेना।
देखें मामा मेरे लिए कितना प्यारा सूट लाए हैं। उजाला पागल हो गया क्यों? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, सो प्लीज मुझसे ये बातें डिस्कस ना किया करो। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। मांग रही हो इतनी देर से? आपको मांग रही थी। भूल जाओ, मैं तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों अपना वक्त जाया कर? आपको कैसे पता? दुआ कबूल करने वाली जात तो अल्लाह पाक की है जो बेनियाज है। हमें नहीं पता होता कि वो हमें कब और क्या अता करते। क्या पता वो मेरी दुआ कबूल कर ले और आप मुझे मिल जाएं। प्लीज यार, समटाइम्स वी एक्ट रियली फन। सॉरी उजाला, भूल जाओ मुझे। स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट इट। आई नो इट वेरी वेल। आपको कुछ नहीं पता इंसान के बस में क्या होता है। कुछ नहीं, हर चीज पर अल्लाह कादिर है, हर चीज का इख्तियार उसके पास है। क्या आपको पता था कि आपका निकाह मेरे साथ होगा? नहीं ना, आप तो ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि मैं आपके साथ इस कमरे में रहूंगी। लेकिन मेरे अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है और देखें मैं यहां रह रही हूं। हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है, आपकी किस्मत भी और आपका दिल भी। इंसान की हर दुआ कबूल भी नहीं, हर दुआ रद्द भी तो नहीं होती। जीते रहो। अम्मी उजाला आप ही एक पास चलें, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नहीं बेटा, हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। तुम तो जानते ना उनकी सास को, मैं अच्छा नहीं लगता कि हम वहाँ जाएं। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारी उजाला आप ही वहाँ खुश रहे। सर जाओ, मुझे दाल ला के दो किचन से और चुल्के दो तुम्हें पकाने के लिए। Hey baby, what's up? Uh-huh. Really? My pic dekh raha tha. Zyada hi pyari lag rahi. Nahi, aaj raat nahi, aaj ko. Dadi hai na?
उनका हैप्पी हैप्पी बर्थडे। नहीं, मैं तो जब तुम्हारे पास होता हूँ तब हैप्पी हैप्पी होता हूँ। हाँ हाँ, यू नो ना। अच्छा नहीं, अच्छा एक मिनट, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ से निकलूँ और सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँ। आई एम मिसिंग यू टू। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, बाय। क्या करूं मैं इन परियों का। ग्रेट सबिया, तुमने माँ जी की खुशी के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। तुम्हें पता है कि हर साल ये मैं करती हूँ, इस साल मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है सबिया, आजकल लोग बुजुर्गों को बोझ समझकर उतार देते हैं। तुमने तो अपने दीन और दुनिया दोनों संवार दी। इनफैक्ट तुमने दुनिया में ही जन्नत कमा ली। माँ जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। उनको मैं अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझती। गुड। तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही? तैयार हो रही है, जाके उजाला खोलो। नई नई दुल्हन है ना, तैयार होने में वक्त तो लगता है। ठीक कह रही हो। Ladies and gentlemen, get ready, दादी जी is coming. आप लोगों को बस ये बताना है कि ये मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। और अगर मेरा बस चले तो मैं इनकी सालगिरह रोज मनाऊंगी। मैडम, एक फैमिली ग्रुप फोटो हो जाए ताकि मेरे अखबार की जीनत बन जाए। जी जी बिल्कुल। मैम, आपकी बहू नजर नहीं आ रही। सो गया, उजाला को ले आओ जाके। उजाला चलो, कॉलिंग। आप इधर साइड पे हो जाएं। मिसेस सलमान, आप अपने शोहर के पास आ। मैं आप तक क्लोज हो जाए मान साहब के।
चाहता तेरे इश्क में जैसे गुजर के दिखाएंगे तेरा हाथ थाम के हाथ में कड़े वक्त में भी निभाएंगे था तू सहारा दर्द का और दर्द भी तेरे दिए रखी है तेरे पास भी एक प्यास जो आप उधर साइड पे हो जाए मिसेस सलमान आप अपने शोहर के पास बहुत दुख होता है ना जब कोई आपकी जगह ले लेता है मैंने तुम्हारी जगह नहीं ली बल्कि तुमने मेरी जगह छीनी है अरमान कभी तुम्हारा हो सकता है ये तो तुम भूल जाओ कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता इंसान की बेहतरी इसी में है कि अपनी किस्मत का लिखा मान ले तकदीर से लड़ने वाले हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं लगता है सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाकर तुम वाकई खुद को उसकी बीवी समझने लगी हो मैं उसकी बीवी ही हूं तुम चाहो तो बाहर खड़े किसी भी शख्स से तस्दीक कर सकते हो अगर इन मेहमानों का मुझे ख्याल ना होता ना तो तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी औकात याद दिला देती ये जो तुम इतना फैंसी जोड़ा पहन के इतना इतरा रही हो ना Let me tell you something. ये मेरा पहनावा जोड़ा है ये ड्रेस तो मुझे मामा ने दिया है हाँ मैंने ही कहा था Because I thought कि तुम्हारे पास इस कैलिबर की पार्टी के लिए ड्रेस तो नहीं होगा तो मैंने ही ऑफर किया था कि मैं तुम्हें अपना ड्रेस दे देती हूँ और किसी को तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी क्या हुआ खामोश क्यों हो वैसे तो तुम बहुत बोलती हो तो अब भी कुछ बोलो ना और इतराओ थैंक यू ही बोल दो शुक्रिया यू आर वेलकम और हाँ दोबारा कभी अगर ड्रेस चाहिए हो ना तो बिला झिझक मुझसे मांग लेना मैंने तो वैसे ही डोनेट करने के लिए निकाल के रखे हुए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी लेकिन एक बात याद रखना मेरी वही यूज चीज तुम्हें मिलेगी जो मैं चाहूंगी एक सेल्फी हो जाए हाँ व्हाई नॉट फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर देना हाँ जी ठीक है अम्मा जी स्माइल अम्मा जी थोड़ा सा मुस्कुराएंगे बहू मैं कब तक इस तरह बैठी रहूंगी मेरी तो कमर में दर्द हो गया अच्छा एक सेल्फी थैंक यू हैप्पी बर्थडे आपको तो किसी हाल में चैन नहीं
अंदर होती हैं तो बाहर आने की ख्वाहिश करती हैं, और आप जब यहाँ आए तो यहाँ भी आपको सुकून नहीं है। दो घंटे से ज्यादा तो हो गए, अब नहीं बैठा जा रहा, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें। बस थोड़ी सी और तस्वीरें और केक काट के फिर आप अंदर चली जाइएगा। अरे मुझे नहीं काटना केक, बस मुझे अपने कमरे में जाके आराम करना, तुम काट लेना केक। कैसी बातें कर रही है, ये सब कुछ आपके लिए तो किया है, सालगिरह आपकी है। तो किसने कहा है कि मेरी सालगिरह का दिन तो असहाब बन जाता है मेरे लिए। अम्मा छोड़ें, क्यों बहस कर रही हैं, केक कटवा लेते हैं और दादी को जाने दें कमरे। ऐसे कैसे हो सकता है, चेयरमैन साहब नहीं आए अभी तक, उनके सामने केक काटना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में वो आ गए। फिर हो रही है। आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे सच पूछो तो मैं पार्टी में सिर्फ तुम्हारे लिए आया, हर जगह तुम्हें देख रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा, तुम कहीं नजर नहीं आई, फिर नगीना ने बताया कि तुम यहाँ, तो यहाँ चला आया। कितने खूबसूरत लगे, किसी का भी इलाज। सीरियसली व्हाट अ लूजर अरमान इज। वैसे मुझे पता नहीं था कि मामा इतना प्यार करती हैं आपसे, उनके दिल में आपके लिए वाकई बहुत मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार, ये मोहब्बत सिर्फ पार्टी तक ही क्यों रहती है? सबिया हर साल मेरी सालगिरह के नाम पे एक बड़ी पार्टी करती है, मेरे साथ ये लोग बहुत सारी तस्वीरें बनवाते हैं। अम्मा जी एक सेल्फी हो जाए, दादी एक सेल्फी मेरे साथ, पूरे साल इनका ख्याल कहाँ चला जाता है। ऐसी बात नहीं है दादी, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप तो इस घर के बुजुर्ग हैं, चाहे वो मामा हो या अरमान, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। रहने दो दुल्हन, ये आज की बात नहीं है, ये तो हर साल का तमाशा है। हर साल मेरी सालगिरह के नाम पे रेड कारपेट बिछाया जाता है, फिर मजबूरी जिंदा लाश के साथ बहुत सारी तस्वीरें बनवाते हैं सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए। बड़े बड़े लोगों को बुलवाया जाता है सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। कितने बदनसीब हैं ना हम लोग, अपनी नेकियों को तोलकर आखिरत के बजाय दुनिया खरीद लेते हैं। और इतना बड़ा नुकसान करते हुए हमें अंदाजा भी नहीं होता। होगा, अंदाजा भी होगा और समझ भी आएगी, एक दिन सबको बूढ़ा होना है, सब या भी एक दिन बूढ़ी होगी। पता नहीं उसने क्या नेकी की है कि उसको तुम जैसी बहू मिली। अच्छा चले, अब आप आराम कर लें, आप वैसे ही बहुत थक गए हैं। अल्लाह हाफिज़।
दादी। हैप्पी बर्थडे। मेरी मोहब्बत में कोई दिखावा नहीं, पूरे दिल से आपको विश कर रही हूं। उजाला, मैं जानती हूं बेटा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची, फिर मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूं? आज मेरी पैदाइश का दिन नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता मैं किस दिन पैदा हुई थी। पहले के लोग कहां ये हिसाब किताब रखते थे? क्या मतलब है? तो फिर ये बर्थडे, ये सब सभ्या ने ये दिन रख लिया अपनी मर्जी से, अपने काम जो निकलवाने होते हैं। लोगों की वाह वाह जो लेना होती है, बड़ी मुनाफिक औरत है, उसके हर काम में मुनाफकत है। अच्छा चले, अब आप सो जाएं। छपा खैर। लाइट बंद कर देना बेटा। मैम आपकी बहू नजर नहीं आ रही। आप उधर साइड हो जाइए, मिस्टर सलमान आप अपने शोहर के पास आ रहे हैं। ये सब क्या किया तुमने? क्या बाहर जाए, ना जाए यहाँ से। ये क्या हो रहा है? मैं जाऊँ यहाँ से? ये तो क्या है? जाए यहाँ से। क्या बात है, क्यों नाराज हो? प्लीज चल नहीं। अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं कि मैं क्यों नाराज हूं? ओ हाँ, वो तस्वीर वाली बात। सोफिया यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी मजबूरी थी वो। वो तुम्हारी बीवी की हैसियत से उस पार्टी में घूम रही थी, वहां के सारे गेस्ट उसको तुम्हारी बीवी समझ रहे थे, तुम्हारी बीवी की हैसियत से पिक्चर्स खिंचवा रही थी। तो तुम भी खिंचवा लेती, तुम्हें किसी ने रोका था क्या? आ जाती वहां पर। अच्छा, एज व्हाट? किस हैसियत से? अरमान, मेरी जान की हैसियत से, मेरी मोहब्बत की हैसियत से। लुक सोफिया, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो मैं आज तुम्हारे सामने यहां बैठा ना होता। चाचान, प्लीज छोड़ दो ना इस बात को। हाँ, प्लीज फॉरगिव मी।